नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। और आज की जड़ी बूटी की खुराक में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी भस्म जिसके लिए आपने सबसे ज़्यादा सवाल करे, और सवाल बहुत किस्म किस्म के हैं। आज हम बात करेंगे हीरा भस्म की। हीरा भस्म, हीरक भस्म या वज्र भस्म, ये जो बनती है ये हीरे से बनती है, और हीरा इस दुनिया की सबसे कठोर पदार्थों में से एक है, इसीलिए इसे वज्र भस्म का भी नाम दिया गया है। बहुत सारे लोग तो हमसे पहली बात ये पूछते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है। एक व्यक्ति को एक दिन में इसकी 1 मिलीग्राम की मात्रा में सेवन करना है। और जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि किसी भी भस्म का प्रयोग आपको अकेले नहीं करना है, डायरेक्ट उसको नहीं खाना है, तो किसी न किसी अनुपान या सहपान के साथ ही आपको भस्मों का सेवन करना है। ये जो हीरा भस्म है, इसके वैसे तो बहुत सारे लाभ हैं। अलग अलग आयुर्वेद आचार्य अलग अलग बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका जो सबसे प्रमुख लाभ है वो है उन व्यक्तियों के लिए जिनके मस्तिष्क में किसी भी तरीके का उन्माद आ जाता है, तनाव की वजह से कई बार आ जाता है, कई बार ज़्यादा सोचने से आ जाता है। तो वजह चाहे कोई भी हो, यदि आप किसी मानसिक उन्माद से ग्रस्त हैं तब आपको हीरा भस्म का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कई लोग ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और इस लो इम्यूनिटी पर ये हीरा भस्म बड़े ही अलग किस्म से काम करती है। ये आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रोवोक कर देती है, उसे ज़्यादा एक्टिव बना देती है। तो ऐसे सारे लोग जो छोटी छोटी परेशानियों से, छोटे छोटे संक्रमण से बीमार पड़ जाते हैं, उन लोगों को हीरा भस्म का प्रयोग करना चाहिए। या फिर ऐसी महिलाएं जिनको किसी भी किस्म का प्रदर है, आमतौर पर सब लोग यही समझते हैं श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर, लेकिन यदि आप आयुर्वेद को थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आयुर्वेद में 20 किस्म के प्रदर का जिक्र है। तो आप उन सारे ही प्रदर रोगों में इस हीरा भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो जिम के लिए हमसे बहुत सारे फॉर्मूला पूछते हैं कि हम जिम जाते हैं, हमें एक अच्छी बॉडी बनानी है, यदि हम केमिकल्स पर, यदि हम जो डब्बे वाले प्रोटीन आते हैं अगर यदि उनका सेवन करते हैं तो बॉडी तब तक तो एकदम कसी रहेगी जब तक उसका सेवन करेंगे, लेकिन छोड़ने के तुरंत बाद बॉडी श्रिंक होने लगती है। कई लोगों की हालत तो बर्थडे के अगले दिन वाले गुब्बारों जैसी हो जाती है, एकदम सूख जाते हैं। तो यदि आप हीरा भस्म का ठीक से प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको छोड़ने के बाद भी, एक्सरसाइज को छोड़ने के बाद भी आपकी बॉडी मेंटेन रहती है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, इसका एक बड़ा ही खास प्रयोग है न्यूरॉन्स को लेकर। कई बार क्या होता है, जब हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर लिए और उन ट्रीटमेंट के बाद भी अगर किसी व्यक्ति खास को, व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं पहुंचा, तो उस दशा में इस हीरा भस्म का प्रयोग करके बिल्कुल सोए भी जो न्यूरॉन है उनको भी एक्टिव किया जाता है। और सबसे खास, सबसे ज़्यादा खास जो इसका प्रयोग है वो कामेच्छा को लेकर है। आमतौर पर ये देखा गया है कि पुरुष ही अपनी सारी समस्याओं को सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं, सबसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, महिलाओं को कई बार उन चीज़ों को बताने का मौका ही नहीं मिलता। कई बार ये लो लिबिडो, कई बार ये कम कामेच्छा महिलाओं में भी देखने को मिलती है। तो इसका प्रयोग करके चाहे आप महिला हों या पुरुष हों, अपनी कम कामेच्छा को भी सामान्य बना सकते हैं। दोस्तों, हीरा भस्म आपको बताए गए सारे लाभ तो देती ही है, लेकिन इसमें बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस हीरा भस्म का प्रयोग आपकी शरीर की जो प्रकृति है उस पे, आपका रोग कितना पुराना हो चुका है, क्या आपको पूर्व में भी कोई रोग रहे थे, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हीरा भस्म का प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी आप हीरा भस्म का प्रयोग करें तो किसी एक आयुर्वेद आचार्य के संरक्षण में करें, किसी ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में करें जिसको आयुर्वेद की नॉलेज हो। डायरेक्ट आप स्वयं से हीरा भस्म या किसी अन्य भस्म का प्रयोग नहीं करें। और इसके लिए सबसे साधारण बात आपको बताऊं जिससे आप एकदम समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इसका नाम है वज्र भस्म। अगर आपने पुराण के ग्रंथ भी पढ़े हैं तो जो वज्र होता था, इंद्र का एक अस्त्र होता था जिसका वो प्रयोग करते थे, लेकिन वो पहला अस्त्र नहीं था, वो पहले सारी चीज़ें चला लेते थे और उसके बाद अंतिम में वज्र का प्रहार किया जाता था। तो ठीक इसी तरीके से हीरा भस्म बहुत ही अलग परिस्थितियों में और किसी कुशल आयुर्वेद आचार्य के संरक्षण में ही इसका प्रयोग करें। दोस्तों, कुशल आयुर्वेदिक डॉक्टर आमतौर पर इसका प्रयोग 45 साल से अधिक के व्यक्तियों को देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मरीज की ज़रूरत के अनुसार वो कई बार 45 साल से कम व्यक्तियों को ये दे सकते हैं, लेकिन हालिया वक्त में हमने ये देखा है कि YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें हर नुस्खे में हीरा भस्म को डाला जा रहा है। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली बड़ी वजह तो ये कि अपने नुस्खे को थोड़ा सॉलिड दिखाना, लेकिन असली बड़ी वजह है कि ज़्यादा मुनाफा कमाना एक महंगी भस्म दिखा के। अगर आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं है तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ब्रह्मास्त्र है।
जब सारे ही इलाज फेल हो जाते हैं उस दशा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए कैसे प्रयोग करना है जो जिम जाते हैं, जिनको सस्टेनेबल बॉडी चाहिए। आपको इसमें केवल 3 भस्मों का प्रयोग करना है। आप लेंगे वंग भस्म, लौ भस्म और हीरा भस्म। आप वंग भस्म और लौ भस्म दोनों लेंगे 5-5 ग्राम की मात्रा में और हीरा भस्म लेंगे 100 mg। इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप क्या करें, खरल लें और ये तीनों भस्म जिस जिस अनुपात में मैंने आपको बताई है खरल में मिला लीजिए और एक पहर तक आपको उसको घिसना है। जो लोग एक पहर नहीं समझते हैं, एक पहर का मतलब होता है 3 घंटे। आपको उसे कंटिन्यूसली 3 घंटे खरल करना है और जब 3 घंटे आप उसे खरल कर लें, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, तो किसी एक छोटे एयर टाइट कंटेनर में उसे रख लीजिए। अब प्रतिदिन 1 चम्मच, जब भी आप जिम करके वापस आएँ तो 1 चम्मच शहद ले लें या देसी घी ले लें, उसमें केवल 1 चुटकी आपको ये भस्म डालनी है और उसका सेवन करना है। अगर हो सके तो गाय के दूध के साथ इसका सेवन कीजिए। इसका सेवन करने के बाद जो बॉडी आपको मिलेगी, जो शरीर आपका बनेगा, वो एक ऐसा शरीर होगा जो एक्सरसाइज छोड़ने के बाद भी सस्टेन रहेगा, उसी शेप में रहेगा। तो ऐसे सारे लोग जो जिम जाते हैं और एक सस्टेनेबल बॉडी के लिए परेशान हैं, उनको ये प्रयोग ज़रूर अपनाना चाहिए। और दोस्तों यदि आप ऐसे लोगों में से एक हैं जिनकी उम्र तो है एकदम यंग, लेकिन एनर्जी का नाम मात्र भी आपके अंदर नहीं बचा है, हमेशा कमजोरी, थकान, और कई बार तो ऐसा होता है सुबह सो के उठे हैं, पूरी दुनिया तो फ्रेश है लेकिन आप तब भी बुझे बुझे हैं, ऐसे लोगों के लिए गोल्डन टिप, आपको नुस्खा तो यही अजमाना है लेकिन थोड़े से चेंज के साथ। आपको क्या करना है, 100 mg लेनी है हीरा भस्म, 5 ग्राम लेंगे चांदी भस्म और 5 ग्राम लेंगे लौ भस्म। ये 3 चीज़ें इस अनुपात में लीजिए और उसे वापस 3 घंटे तक आपको, एक पहर तक आपको खरल करना है। हो सकता है ये बात सुनने में आपको थोड़ी सी अजीब लगे, थोड़ी मेहनतकश लगे, लेकिन हम भी जितनी दवाइयों का प्रयोग करते हैं उसमें आयुर्वेद के इन पुराने नियमों को आधुनिक मशीनों के साथ मिलाकर कई कई घंटों तक चीज़ों को खरल करते हैं, जिसके बाद ही हमें वो लाभ मिल पाते हैं जिसके लिए हमने किसी पर्टिकुलर नुस्खे को बनाया है। तो यदि आप भी इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो वो सारे लोग, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, ऐसी सारी समस्याएँ रहती हैं, शरीर में ताकत नहीं रहती, उन लोगों को ऐसे खरल करके ये पाउडर बना लेना है। अब इसका सेवन करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप लोग क्या करें कि सुबह के टाइम खाली पेट इसका सेवन करें। 1 चम्मच गुलकंद ले लीजिए, गुलकंद नहीं है तो कोई एक आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं जिसमें वो आंवला निकलता है, उसकी बीज निकाल दीजिए। अब 1 चुटकी उसमें छिड़क के आप उसके साथ सेवन कीजिए। इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है, शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। और यदि आप ऐसे लोग हैं कि जो मधुमेह से पीड़ित हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, तो वो इसे डायरेक्टली देसी घी के साथ भी ले सकते हैं। इस तरीके से इसका प्रयोग करें और आपके शरीर में अगर कितनी भी कमजोरी है तो ये नुस्खा 2 से 3 हफ्तों में आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर देगा। और दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित आपका जो सवाल रहता है, काम इच्छा तो पूरी पूरी है पर काम शक्ति खत्म हो चुकी है। अब इच्छाएं हैं पर शक्ति नहीं है, तो इसका जवाब कैसे मिलेगा? ये हीरा भस्म इस रोग को भी साध सकती है, और खास तौर से वो लोग जिनकी उम्र थोड़ी बढ़ने लगी है, शक्तियां खत्म हो रही हैं शरीर से लेकिन इच्छा अभी भी बरकरार है, उस दशा में आपको इसका प्रयोग कैसे करना है? आपको 3 चीज़ चाहिए उसके लिए। आप लीजिए 100 ग्राम की मात्रा में अकरकरा, 100 ग्राम जायफल और 100 ग्राम जावित्री। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से कूट पीस के इनका चूर्ण बना लीजिए। अभी जो पाउडर आपके पास है इसमें आपको 2 भस्में मिलानी है, 10 ग्राम वंग भस्म और 100 mg हीरा भस्म। इन दोनों को मिला के वापस आपको एक पहर तक, 3 घंटे तक खरल करना है। जब वो अच्छे तरीके से 3 घंटे तक, एक पहर तक खरल हो जाए, उस भस्म को आप जो ये तीनों चीज़ों का आपने अकरकरा, जायफल और जावित्री का जो पाउडर बनाया था उसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब आपको प्रतिदिन खाना खाने के 1/2 घंटे के बाद दिन में एक बार इसका 1/2 चम्मच दूध के साथ सेवन करना है। यदि आप नियमित रूप से इसका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे जो आपके अंदर काम शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ये नुस्खा उसे दोबारा से ज़िंदा कर देगा। और इस नुस्खे की एक खास बात और है, ये ऐसा नहीं कि केवल आपकी काम शक्ति को बढ़ाता है, यदि ऐसे लोग जिनमें कामेच्छा की भी कमी हो गई है ये उसको भी बढ़ाता है। इट मीन्स कि अगर आपका लिबिडो कम है तो, और या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल नीचे भी जा रहा है, तो महिलाओं और पुरुषों को इसके बराबर लाभ मिलते हैं। और दोस्तों हीरा भस्म की एक खास बात और है, आप जो भी कोई नुस्खा प्रयोग कर रहे हैं यदि आप उसमें हीरा भस्म को ऐड कर देते हैं तो ये हीरा भस्म उसकी ताकत को कई गुना कर देती है। ऐसा नहीं कि इसका प्रयोग केवल कम काम इच्छा, कम काम शक्ति वाले लोग ही कर सकते हैं। यदि आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है,
प्रीमेच्योर एजुकुलेशन की भी प्रॉब्लम है तो उस दशा में भी आप अपने नुस्खे में इस हीरा भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। शर्त है तो सिर्फ इतनी, किसी एक अच्छे आयुर्वेद आचार्य से आप एक बार सलाह अवश्य लें। और दोस्तों, इसके अलावा भी यदि आप हीरा भस्म का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे, यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं, और एक इसकी खास बात है, ये आपका जो हृदय है उसके फंक्शन को प्रॉपर बनाता है। जब हमारा हृदय संकुचित होकर उससे खून बाहर निकालता है तो ये उस फंक्शन को भी प्रॉपर करता है, जिस वजह से आपका बीपी सही रहता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको सबसे पहली बात, इसका जो प्रयोग करना है वो गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है। ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं उन लोगों को भी नहीं करना है। आयुर्वेद कहता है कि हीरा भस्म का प्रयोग 12 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को, बच्चों को नहीं करना चाहिए। लेकिन फॉर अ सेफर साइड, लेटेस्ट स्टडीज़ ये कहती हैं कि 18 साल से कम के लोग इसका प्रयोग ना करें। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि केवल 50 साल से ऊपर वाले व्यक्ति ही इसका प्रयोग करेंगे। ये ज़्यादातर लोगों में भ्रांति हो जाती है, लेकिन एक वज्र है, टॉप लाइन ट्रीटमेंट है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब नीचे के या फिर पहले के आपके कोई भी नुस्खे काम ना कर रहे हों। दोस्तों, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इस थंबनेल को देखने के बाद जब आप इस वीडियो पर आए थे, जितने सवाल आपके मन में थे उन सबका जवाब आपको मिल गया होगा। और यदि अभी भी कोई सवाल मन में बाकी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।